हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रामसर साइट्स के बारे में। देखिए, रामसर साइट्स जनरली वर्ल्ड वाइड में जितने भी वेटलैंड्स होते हैं, जिनको हम किडनी ऑफ द अर्थ के नाम से भी जानते हैं, उनके प्रोटेक्शन और उनके प्रिजर्वेशन से रिलेटेड वर्क करते हैं। यहाँ पे आपके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में पहले 27 रामसर साइट्स अवेलेबल थे जो कि इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस के डिक्लेयर्ड थे। इनमें से भी अगर मैं बात करूं तो 28 जनवरी 2020 को यूनियन मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर जी ने 10 नए रामसर साइट जो कि इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल थे उन्हें इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का डिक्लेयर कर दिया है। तो टोटली आपके पास इंडिया में इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के रामसर साइट की जो नंबर है वो इंक्रीज होके हो जाती है 37। तो इस वीडियो के अंदर देखिए हम जानेंगे ये जो रामसर साइट्स हैं इनके बारे में, दैट मीन्स रामसर साइट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, रामसर कन्वेंशन के बारे में हम देखेंगे, इसी के साथ साथ इनके लीगल फ्रेमवर्क के बारे में जानेंगे और देखेंगे इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे जो 10 नए इम्पॉर्टेंट रामसर साइट्स अभी इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस के डिक्लेयर हुए हैं, उन 10 से रिलेटेड हम यहाँ पे जानेंगे सारी डिटेल्स और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए उनमें से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक फिर हम देखेंगे कि जो बचे हुए 27 रामसर साइट्स हैं जो ऑलरेडी हमारे पास डेजिग्नेटेड थे इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के, उन 27 के बारे में। अब देखिए, आप सोचेंगे कि यहाँ पे उन 27 को भी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक बहुत ही अच्छा सा सोचा समझा हुआ लॉजिक है मेरे पास। क्योंकि अभी अगर आपने देखा हो नवंबर दिसंबर में एवियन बॉटलिज्म डिजीज के कारण जो रामसर साइट है राजस्थान के अंदर सांभर लेक, वहां पे बहुत सारी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनकी डेथ हुई थी। इस पर्टिकुलर इशू को मैंने एक अलग वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ऐसे में जब भी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कोई रामसर साइट इम्पॉर्टेंट होगा तो आपको अलग अलग से उनके बारे में डिटेल्स नहीं देखनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। उस टाइम स्टैम्प में आप जाकर उस पर्टिकुलर रामसर साइट के बारे में इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकते हैं। तो बेसिकली ये करंट पर्सपेक्टिव में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव में भी आपके लिए क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। बेसिकली इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से डीप एनालिसिस करके तैयार किया गया है आपके लिए। इसका जो बेसिक फोकस एरिया होगा वो होगा वाइल्ड लाइफ और रामसर साइट से रिलेटेड। ये वीडियो आपके पास लेकर आ रहा हूं मैं सुनील शर्मा, रिसर्च्ड बाय मी सुनील शर्मा एंड सौरभ जैन। बेसिकली अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। आपके मन में अगर कोई भी क्वेरीज या डाउट्स रहती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास बात आती है कि रामसर कन्वेंशन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो वेटलैंड्स होते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल्स होना चाहिए। तो देखिए, जितने भी वेटलैंड्स होते हैं इन वेटलैंड्स को हम क्या बोलते हैं, किडनी ऑफ द अर्थ, या फिर ये कहा जा सकता है दीज आर द अर्थ्स किडनी। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेसिकली आपको ये पता होगा कि अपने एनवायरमेंट के अंदर जो रामसर साइट्स हैं जिनको हम यहाँ पे डेजिग्नेट करेंगे एज अ वेटलैंड साइट, ये क्या करते हैं, जैसे कि आपके किडनी आपकी बॉडी के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है उनको प्योरीफाई या फिल्टर करने का काम करता है, सेम एज यहाँ पे जो वेटलैंड्स होते हैं ये अपने अर्थ के अंदर से नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको फिल्टर करने का या प्योरीफाई करने का काम करता है। तो इन जगहों को प्रिजर्व करने की बात आती है तो उसी से रिलेटेड स्टार्ट होता है रामसर कन्वेंशन। देखिए, जो रामसर कन्वेंशन है ये साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 को और ये इफेक्ट में आता है 21 दिसंबर 1975 को। यहाँ पे टोटल जो सिग्नेटरी पार्टीज हैं ये 171 सिग्नेटरी पार्टीज हैं, दैट मींस 171 जो कंट्रीज हैं वो इसका क्या है, मेंबर या पार्ट मानी जा सकती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि इस कन्वेंशन को जो है वो साइन किया गया था ईरान में एक पर्टिकुलर प्लेस में जिसका नाम है रामसर, उसी के नाम से इसका नाम पड़ गया रामसर कन्वेंशन। फिर बात आती है कि ये ट्रीटी क्यों की गई, तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो रामसर साइट से ये क्या है, अर्थ की किडनी है, यानी कि अर्थ को क्या करता है,
टॉक्सिकेटिंग एलिमेंट से फ्री करता है, यानी कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को खत्म करने का काम करता है। इसलिए इन साइट्स को, जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनको कंजर्व करने के लिए ये ट्रीटी की गई थी। अब अगर बात करें तो ये ट्रीटी के थ्रू काम क्या किया जाता है, तो देखिए ये लोग क्या करते हैं, ईच एंड एवरी 3 ईयर्स के अंदर इनकी एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर कोप के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कन्वेंशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या करती है, पॉलिसी मेकिंग का काम करती है कि इन साइट्स को कैसे आप अपग्रेड कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, ये सारे पर्टिकुलर काम ये लोग मिलकर करते हैं। फिर बात आती है कि अगर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है हर 3 साल के अंदर, तो उसी के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके सब पार्ट के अंदर भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती है। तो यहाँ पे सब पार्ट के अंदर सबसे पहले जो हम बात करेंगे रीसेंट के बारे में, तो रीसेंट में कोप 13 जो है वो दुबई यूएई के अंदर हेल्ड किया गया था अक्टूबर 2018 में। फिर इसके बाद 2019 में कोप 14 न्यू दिल्ली में इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था 13 सितंबर को। फिर अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इंडिया इसका एक ग्लोबल होस्ट होने वाला है 2021 तक, जहाँ भी ये ऑर्गेनाइज की जाएंगी उन सभी को होस्ट करने का काम इंडिया ही करेगा। फिर बात करें इसका थीम क्या था अभी रिसेंटली 2019 में, तो थीम थी इसकी रीस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर, यानी कि इन लैंड्स को बचाएं और आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को सस्टेन कर सकते हैं। ओवरऑल बात की जाए तो इन वेटलैंड्स के अंदर 2340 से ज़्यादा ऐसे साइट्स प्रिजर्व किए गए हैं, जो कि नियर अबाउट 2.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया को प्रिजर्व करते हैं। इनमें भी अगर हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के अंदर सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं और इनकी नंबर जो है वो है 175, जबकि एरिया वाइज अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यदि रामसर साइट्स हैं तो ये बोलविया के अंदर हैं, जो कि लार्जेस्ट एरिया रखता है 1.48 लाख किलोमीटर स्क्वायर। फिर अगर हम बात करें इंडिया के अंदर रामसर साइट्स के बारे में, क्योंकि बेसिकली हमारा ये वीडियो इंडिया से ही रिलेटेड रहने वाला है, तो यहाँ पे अक्टूबर 1981 में इंडिया इसका पार्ट बनता है, और पार्ट बनने के साथ सबसे फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि दो रामसर साइट एक साथ डेजिग्नेट की गई थी यहाँ पे। पहला इसमें से नाम आ जाता है चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में है, और सेकेंड है केवला देव नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है, इसको घाना नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंडिया के फर्स्ट दो रामसर साइट्स थे। इसी के साथ साथ अभी इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, टोटल 37 जो रामसर साइट्स हमारे पास हैं, जो कि एज ऑन फेब्रवरी 2020 तक है। पहले देखिए हमारे पास 27 थे, अभी फेब 2020 को यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास 10 रामसर साइट्स जो हैं और इंक्रीज कर दिए गए हैं। तो इनको इंक्रीज करते हुए टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास रामसर साइट है वो हो जाएंगे यहाँ पे 37। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 28 जनवरी को 2020 में यूनियन मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, उन्होंने ऐसा कहा था कि इंडिया में 10 रामसर साइट्स को और अप्रूवल दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ताकि अभी तक का आपने क्या पढ़ा वो आपके लिए क्लियर हो जाए। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं, देखिए आपके पास एक पहला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड दो फैक्ट गिवन है, नंबर 1 एंड नंबर 2, आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, एक आपके लिए कहा गया है कि ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड के लिए। सेकेंड आपके पास यहाँ पे दिया गया है कि दिस ट्रीटी इज अ लीगल बाइंडिंग ट्रीटी, यानी कि इसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन कोप के थ्रू बनाए जाते हैं, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के थ्रू बनाए जाते हैं, वो क्या हो जाएंगे, एक लीगल बाइंडिंग होंगे, किसी कंट्री को मानना इसमें कंपल्सरी होगा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको आंसर बता देना चाहूंगा। देखिए पहला स्टेटमेंट हमने यहाँ पे पढ़ ही लिया है। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी लीगल बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, ये लीगल बाइंडिंग नहीं है, इसलिए आपका जो कोड हो जाएगा वो सेकेंड वन नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपके पास कि रामसर साइट से रिलेटेड यहाँ पे तीन स्टेटमेंट गिवन है, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है या कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो इनमें से आपको टोटल क्या चूज करना है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं। पहला आपको कह रहा है कि द इंक्लूजन ऑफ अ रामसर साइट इन द लिस्ट एम्बॉडीज द गवर्नमेंट कमिटी टू टेक द स्टेप नेसेसरी टू इंश्योर दैट इट्स इकोलॉजिकल कैरेक्टर इज मेंटेन्ड, यानी कि गवर्नमेंट की कमिटी डिसाइड करेगी कि उनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो हो वो मेंटेन किया जा सके। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ जो साइट्स हैं वो यूनाइटेड किंगडम है, जहाँ पे 170 साइट्स अवेलेबल हैं। थर्ड यहाँ पे बोला गया है द कंट्री विद द ग्रेटेस्ट एरिया, ठीक है, जिसमें क्या है सबसे ज्यादा एरिया है वो वाला लिस्टेड वेटलैंड जो है वो बोलविया के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट आपको बोला गया है कि इंडिया के पास 26 रामसर साइट्स अवेलेबल है। तो बताइए इनमें से क्या आंसर होगा आपका। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग सही सही कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे देखिएगा पहला स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, जैसा कि अभी मैंने अगर आपको कहा था प्रीवियस क्वेश्चन में कि यूनियन मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 10 नए रामसर साइट को डेजिग्नेट किया है, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट एम्बॉडी इस पे काम करती है, तो फर्स्ट वन करेक्ट है। सेकंड पे आते हैं कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट जो है वो यूनाइटेड किंगडम में है, 170 है, इसके ऊपर भी हमने बात कर ली थी। बिल्कुल 170 रामसर साइट्स के बारे में आपने देखा था, बिल्कुल नहीं देखा था, आपने वहां पे देखा था कि 175 साइट्स हैं। तो ये जो सेकंड सेंटेंस हो जाता है ये गलत हो जाता है, यहाँ पे 175 है। फिर अगर हम बात करें कि जो सबसे ज्यादा या ग्रेटेस्ट एरिया किसके पास है, तो देखिए ग्रेटेस्ट एरिया किसके पास था, बोलविया के पास था, हमने बोलविया के पास पढ़ा 1.48 लाख किलोमीटर स्क्वायर, तो ये थर्ड सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, उसके बाद जो हमारा सेंटेंस है जिसमें कहा कि इंडिया के पास 26 रामसर साइट्स हैं, तो देखो अभी अभी हमने पढ़ा कि इंडिया के पास 26 नहीं है, इंडिया के पास 37 रामसर साइट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ऐसे में स्टेटमेंट नंबर फोर्थ भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो अब आपका आंसर क्या बच रहा है, ओनली फर्स्ट वन एंड थर्ड वन। तो फर्स्ट वन एंड थर्ड वन ओनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन एंड थर्ड वन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो आपके लिए और क्वेश्चन है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने कि द रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, आपको इजीली बताना है वन लीनियर क्वेश्चन में कि ये किससे रिलेटेड है। देखिए पहला है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ, प्रोटेक्शन ऑफ रिवर इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड। ठीक है, कमेंट कीजिए आप। बिल्कुल करेक्ट आप लोगों का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमने ये जो कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड के लिए रामसर कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके पास, द प्लेस ऑफ रामसर कन्वेंशन इज सिचुएटेड, ये किस कंट्री के अंदर सिचुएटेड है। चार ऑप्शन है आपके पास, फ्रांस, ब्रिटेन, ईरान एंड रशिया। कमेंट कीजिए आप जल्दी से। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ईरान, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको कि दो स्टेटमेंट गिवन है, इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट कोड है। ठीक है, तो इंडिया बिकेम अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू द रामसर कन्वेंशन इन अक्टूबर 1981, पहला फैक्ट आपके पास ये गिवन है। सेकेंड है कि इंडिया ने स्टार्टिंग में चिल्का लेक जो कि ओडिशा में है और केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, ये इंडिया के फर्स्ट टू रामसर साइट्स हैं। कमेंट करके बताइए इन दोनों में से कौन सा या कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट वन, सेकंड वन, बोथ या फिर नन। चलिए, तो जैसा आप सभी का आंसर यहाँ पे करेक्ट देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बोथ यहाँ पे आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस इजीली समझ में आ रहे हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर।
देखिए क्वेश्चन कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, आपको बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। पहला है रामसर साइट आर डिक्लेयर्ड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। सेकेंड है कंट्री विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ साइट्स इन द यूनाइटेड किंगडम एट 170, ठीक है, एंड द कंट्री विद द ग्रेटेस्ट एरिया लिस्टेड वेटलैंड इज अ बोलविया, ठीक है, तो बताइए भैया इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आपके कमेंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि इनके आंसर्स की, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर्स की बात की जाए तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर है, ठीक है। सेकंड की बात करें कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेट है यूनाइटेड किंगडम है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में 170 नहीं है, 175 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 175 है तो दैट मीन्स सेकेंड वाला क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ऐसे में आपका आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट वन। देखिए अब आपके लिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनमें से आपको बताना है कौन सा जो है वो ट्रू है, ठीक है। पहला यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, पहला यहाँ पे देखा जाए बोला गया है देयर इज नो स्पेसिफिक लॉ फॉर द वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट एंड यूज इन इंडिया। सेकेंड की बात की जाए अराउंड 70% ऑफ इंडियाज वेटलैंड आर अंडर पैडी कल्टीवेशन, यानी कि यहाँ पे पैडी कल्टीवेशन किए जाते हैं। अब आपको यहाँ पे कमेंट करना है कि इनमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा, करिए जल्दी जल्दी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो देखिए इसके आंसर के ऊपर आते हैं, इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ, यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। देखिए जैसा कि बोला गया है कि इंडिया में कोई स्पेसिफिक लॉ अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अगर इंडिया में कोई स्पेसिफिक लॉ अवेलेबल नहीं है तो इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, तो इसको ट्रीट किया जाता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के थ्रू इसको ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए तो वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे रूल अवेलेबल है और ये रूल बनाए गए थे 2010 में, लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक लॉ की, तो स्पेसिफिक लॉ तो यहाँ पे तैयार नहीं है। हाँ, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर ड्राफ्ट बनाया गया था और ये ड्राफ्ट बनाया गया था आपके पास 2016 में, लेकिन ये एट प्रेजेंट में रूल की स्पेसिफिक लॉ की कैटेगरी में नहीं आता है क्योंकि ये ड्राफ्ट अभी पास नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक अभी हमने देखा कि जो रामसर कन्वेंशन है उसके बारे में, रामसर साइट्स क्या होते हैं, वेटलैंड्स क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो 10 नए रामसर साइट्स अपडेट हुए हैं उनके बारे में। देखिए इनका जो अपडेशन है वो किया गया है 28 जनवरी को 2020 के अंदर, जहाँ पे यूनियन मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो कि प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, इन्होंने डेजिग्नेट किया था कि इंडिया के अंदर अब 10 मोर रामसर साइट्स को अप्रूवल दे दिए गए हैं। जैसे ही ये अप्रूवल दिया गया तो पहले इंडिया में अवेलेबल थे 27 रामसर साइट्स, ये 10 इंक्लूड होने के बाद हो जाते हैं हमारे पास टोटल 37 रामसर साइट्स। इनमें से भी अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि 3 जगह पे बनाया गया है, एक तो महाराष्ट्र में बनाया गया है, दूसरा पंजाब के अंदर और तीसरा उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ पे अगर आपको ध्यान रखना है तो देखिए अब महाराष्ट्र के अंदर एक रामसर साइट को, जबकि पंजाब के अंदर 3 रामसर साइट्स को और रिमेनिंग 6 रामसर साइट जो हैं वो उत्तर प्रदेश में डेजिग्नेट किए गए हैं। इनके आपको नाम याद रखना है तो देखिए पहला जो है नंदूर मधमेश्वर बर्ड सेंचुरी, ये महाराष्ट्र के अंदर है। बचे हुए 3 जो हैं आपके, यानी कि सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, केशवपुर मियामी ब्यास कंजर्वेशन और नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 3 जो आते हैं ये पंजाब में आते हैं। पंजाब में ऑलरेडी 3 अवेलेबल हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर 6 रामसर साइट्स इनमें से बनाए गए हैं, ठीक है। ये 6 रामसर साइट्स जो हैं वो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, पार्वती है और समन है, समासपुर है, संडी है और सरसई नदवेश्वर है, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है इनके नाम के बारे में। और इस वीडियो के एंड में आपको मेरे को कमेंट करके बताना है कि सबसे ज्यादा रामसर साइट्स जो हैं किस स्टेट के अंदर इंडिया में अवेलेबल हैं। तो अब हम इन 10 के बारे में इजीली डिटेल्स में पढ़ते हैं, उसके बाद
हम बचे हुए 27 के बारे में पढ़ेंगे, बीच में हम थोड़ा सा ब्रेक लेकर इनसे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो अब बात करते हैं हम रामसर साइट्स की, जो कि लेटेस्ट जनरेट किए गए हैं। उनमें से आता है आपके पास नंदोर मधमेश्वर, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, ये नंदोर मधमेश्वर जो है ये मोजैक ऑफ लेक्स के लिए जाना जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे जिगजैग में आपको बहुत सारे लेक्स देखने को मिलेंगे। बेसिकली अगर बात की जाए तो ये डेक्कन प्लेटू के अंदर अवेलेबल है, और यहाँ पे दो रिवर हैं। एक रिवर है आपके पास गोदावरी, और दूसरी जो रिवर है वो है कड़वा रिवर। इन दोनों रिवर के पास ये नंदूर मधवेश्वर इस्टेब्लिश है। यहाँ पे अगर बेसिकली बात की जाए तो 563 स्पीसीज आती है। देखिए, आपको स्पीसीज वगैरह का कुछ भी नहीं करना, आपको बेसिक बेसिक इनमें याद क्या रखना है कि कौन सा रामसर साइट है, किस जगह अवेलेबल है, और उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक हो तो आपको वो याद रखना है। जस्ट लाइक वहाँ पे कौन से रिवर अवेलेबल है, क्योंकि बेसिकली सारे जो वेटलैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, गीले एरिया होते हैं, और वहाँ पे वाटर सोर्स होना कंपलसरी है। तो वाटर सोर्स का जो उनका सोर्स है, जस्ट लाइक यहाँ पे गोदावरी एंड कड़वा रिवर है, वो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पे मोस्ट आइकॉनिक स्पेसीज जो है वो देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है आपको यहाँ पे, आपको लेपर्ड देखने को मिलता है और इंडियन सैंडलवुड देखने को मिलता है। इन सभी जानवरों के बारे में अगर आपको अदर डिटेल चाहिए तो आप गूगल पे जस्ट नाम टाइप करेंगे, आपको इनकी इमेज और बाकी चीजें भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर आपको दो ही चीज याद रखनी है। क्या? एक तो यहाँ पे इंडियन लेपर्ड और सैंडलवुड पाए जाते हैं, जो कि मोस्ट आइकॉनिक स्पेसीज हैं। सेकंड आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे गोदावरी और कड़वा रिवर है। थर्ड आपको यहाँ पे याद रखना है कि नंदूर मधुमेश्वर कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये तीन चीज आपके लिए स्पेसिफिक होगी। अगले पे चलते हैं, जहां पे हम देखेंगे केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, जो कि पंजाब के अंदर स्टैब्लिश है, उसके बारे में। ये भी देखिए, जितने भी हमारे वेटलैंड्स होंगे सब में कॉमन थिंग आपको देखने को मिलेगी। कॉमन थिंग क्या होगा, वहां पे मोजैक ऑफ नेचुरल मार्सेस, यानी कि दलदल और घास वाली जगह आपको वहां पे देखने को मिलेगी। वहां पे बहुत सारे पॉन्ड्स और वाटर रिलेटेड साइट्स भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसके बारे में याद रखेंगे कि ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है कम्युनिटी मैनेज वेटलैंड्स का। अब कम्युनिटी मैनेज्ड वेटलैंड्स क्या होते हैं, ऐसे वेटलैंड्स होते हैं जहाँ पे जो आसपास के लोकल पर्सन हैं उनको फूड वगैरह की नीड एंड सप्लाई की जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे वो लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि पंजाब के अंदर अवेलेबल है। देखिए, जैसा कि नाम में ही है तो आपको पता चल जाएगा ब्यास रिवर यहाँ से ड्रेन करती है। ठीक है, सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इंडस रिवर डॉल्फिन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे इंडस रिवर डॉल्फिन पाई जाती है और कहीं भी नहीं पाई जाती। ठीक है, ओनली प्लेस है ये इंडिया के अंदर, इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है हमारे पास नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी पंजाब के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलर एक इको सेंसिटिव जोन है, और ऑलरेडी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। दैट मीन्स यहाँ पे जानवरों को प्रिजर्व करने के लिए काम किया जा रहा था। यहाँ पे बहुत सारे अबंडेंट फ्लोरा एंड फौना अवेलेबल है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सबकी सेम एज ऐसी ही बहुत सारी इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस आपके लिए ये हो जाएगा कि यहाँ पे एक ह्यूमन मेड रिजर्वियर है। ठीक है, भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा, 1961 में इनिशिएट हुआ था ये। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट जो है ये नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इसके बारे में ये भी है कि इंडियन एंड चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे फाइव प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस दिया था 1954 के अंदर। ठीक है, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसे भी आप याद रख सकते हैं। फिर आता है हमारे पास नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, जो कि उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है। देखिए, ये भी मार्स लैंड अवेलेबल है, उत्तर प्रदेश में है। सेम है, सबकी सेम है क्वालिटी, सबके बारे में सब कुछ इक्वल इक्वल, एज सच आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक ही इम्पॉर्टेंट होगा कि यहाँ पे शारदा कैनल के थ्रू वाटर सप्लाई की जाती है, और ये लखनऊ के पास अवेलेबल है। फिर अगर हम बात करें तो पार्वती आगरा, ठीक है, अर्गा, सॉरी आगरा का हो गया,
बेसिकली ये पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी है जो कि उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है। ये पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी जो है ये एक परमानेंट फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट का इकोसिस्टम है, यानी कि यहाँ पे वाटर लाने के लिए स्पेसिफिक कोई वर्क नहीं करना पड़ता, इजीली यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, फिर अगली बात करें रामसर साइट्स की, तो यहाँ पे हमारे पास आता है रामसर साइट दैट इज समन बर्ड सेंचुरी, ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, मैनीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश है, जो कि गंगेज फ्लड प्लेन के पास स्टैब्लिश है। यहाँ पे भी बहुत सारे स्पेसीज आपको देखने को मिल जाएगी। अगला है हमारे पास समसपुर बर्ड सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है। इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये रायबरेली डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से आता है, और रायबरेली डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं बेसिकली इंडिया में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनकी एक फेमस पॉलिटिशियन का ये क्या है कंस्टिट्यूएंसी फील्ड है, तो वहां से वो चूज होके आते हैं, तो उनका नाम भी आप क्या करेंगे नीचे कमेंट में बताइएगा। फिर इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आ जाती है कि यहाँ पे बहुत सारे अदर मॉनसून रिलेटेड रेन्स एंड उन पे रिलेटेड वर्क किए जाते हैं। अगला है आपके पास संडी बर्ड सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है। ये एक टिपिकल वेटलैंड है जो कि इंडो गंगेटिक प्लेन्स यानी कि इंडियन गंगा प्लेन से रिलेटेड एरिया के अंदर आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है बेसिकली। फिर बात करेंगे कि जो अगला है हमारे पास सरसई नावर झील जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये जो साइट है इसका नाम आता है नॉन माइग्रेटरी क्रेन्स के लिए। ठीक है, इसका जो नाम है वो आया है नॉन माइग्रेटरी क्रेन्स से, उनका नाम भी क्या है सारस, तो सारस से यहाँ पे बना दिया गया है सरसई जो बेसिकली इंडो गैंगेटिक फ्लड प्लेन्स के अंदर है। ये एक एग्जाम्पल है अच्छा वाला को हैबिटेट का, यहाँ पे ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ दोनों ही एक साथ रहते हैं, तो इसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये हमने देखे टोटल 10 नए रामसर साइट्स, इनके ऊपर हम सबसे पहले बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, उसके बाद हम बढ़ेंगे पुराने जो हमारे पास रामसर साइट्स हैं उनके बारे में। चलिए, तो अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यानी कि इस सीरीज का 8वां क्वेश्चन कि कौन सा रामसर साइट जो है वो महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड है। चार ऑप्शंस हैं आपके पास, केशवपुर मियानी, नंदूर, समन और इनमें से कोई नहीं, तो चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपके। देखिए समन बर्ड सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो समन बर्ड सेंचुरी जो है ये हमारे पास उत्तर प्रदेश में है, जबकि केशवपुर मियामी जो है वो पंजाब के अंदर अवेलेबल है। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो नंदूर मधुमेश्वर बर्ड सेंचुरी होगा, ये महाराष्ट्र में अवेलेबल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कौन सा साइट करेक्टली मैच्ड है ये आपको बताना है। यहाँ पे कुछ साइट्स हैं और उनकी लोकेशन गिवन है। ठीक है, केशवपुर मियामी कम्युनिटी रिजर्व कहा गया है महाराष्ट्र, नंदूर मधुमेश्वर कहा गया है पंजाब, समन बर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र और संडी बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश। इनमें से बताइए ए बी सी या डी कौन सा करेक्टली मैच्ड है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, पहले तो हम आते हैं केशवपुर मियामी पे। देखिए केशवपुर मियामी जो हमने पढ़ा था, ये केशवपुर मियामी क्या है इंडिया का फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व है, और हमने बात की थी ये कहाँ पे है पंजाब के अंदर है, तो ये गलत हो गया। सेकंड में अगर हम बात करें नंदूर मधुमेश्वर बर्ड सेंचुरी की, तो नंदूर मधुमेश्वर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे अवेलेबल था, महाराष्ट्र में अवेलेबल था, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। सी पे आते हैं समन बर्ड सेंचुरी की, तो देखिए जो समन बर्ड सेंचुरी है ये हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश में, जबकि यहाँ पे क्या गिवन है महाराष्ट्र, तो ये भी गलत है। फिर आता है ऑप्शन नंबर डी संडी बर्ड सेंचुरी, तो देखिए संडी बर्ड सेंचुरी कहाँ है यूपी में अवेलेबल है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स बात आती है हमारे पास जो रिमेनिंग 27 साइट्स हैं उनको हम कैसे याद करें। देखिए एक बड़ा ट्रिकी मेथड हो जाएगा यहाँ पे कि इनको याद करना बहुत मुश्किल होता है, तो कुछ कुछ के लिए हमने कुछ ट्रिक्स जनरेट किए हैं। जस्ट लाइक पहले अगर मैं बात करूं आपके सामने पंजाब से रिलेटेड, तो पंजाब में अभी आपने देखा तीन रामसर साइट्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। चलिए अगर पंजाब के लोगों की बात करें तो आपने कई बार उनको बोलते हुए सुना होगा रब राखा। ठीक है, आपने उनको क्या बोलते हुए सुना होगा रब राखा।
जैसे लाइक हम लोग गुड बाय बोलते हैं, वो बोलते हैं रब राखा। तो ऐसे में रब राखा से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए रब राखा में हम क्या क्या करेंगे, एक तो ले लेंगे हम के को, ठीक है, दूसरा हम ले लेंगे एच ए को, और हम ले लेंगे एक आर को। यहाँ पे जो आर है, आर से हमारे पास आ जाएगा रोपड़, ठीक है, पंजाब के रोपड़ में अवेलेबल है। के से अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा कंजीली के अंदर, और एच ए से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा हरी के लेक, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, पंजाब के जो रिमेनिंग थ्री हैं उनको याद कर सकते हैं। मैं रिपीट करूंगा, यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पंजाब के जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, रब राखा बोलते हैं। तो रब राखा में आर को, आर से हम बना लेंगे रोपड़, के से हम बना लेंगे कंजीली, और एच ए से हम बना लेंगे हरी के लेक, ठीक है। फिर बात करते हैं हम, आ जाते हैं अगला जो हमारे पास साइट्स हो जाएगा, ये हो जाएगा केरला के अंदर, ठीक है। केरला के अंदर हम बात करें तो देखिए केरला में आपके पास, अगर आपको ध्यान हो तो वहां पे एक अस्थामुडी कैंपेन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज कर लेता हूँ, सेव अस्था मुड़ी कैंपेन, ठीक है। अब यहाँ पे सेव अस्था मुड़ी कैंपेन है, ठीक। तो सेव अस्था मुड़ी कैंपेन से हम क्या कर सकते हैं, कुछ नाम निकाल सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, सबसे पहले तो अस्था मुड़ी पे ही, क्योंकि अस्था मुड़ी भी क्या है, एक वेटलैंड या रामसर साइट है जिसको सेव करने की बात की जा रही है। तो एक तो नाम हो जाएगा अस्था मुड़ी। सेकंड की बात करें, यहाँ पे एस ए और वी ई इन दोनों से अलग अलग नाम निकलेंगे। देखिए एस ए से यहाँ पे जो है उसका नाम है सस्थम कोट्टा लेक, ठीक है। तो एक रामसर साइट क्या है, सस्थम कोट्टा, एस ए यहाँ पे कॉमन है। फिर वी ई से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं वेम्बनाद लेक, ठीक है। वेम्बनाद लेक भी क्या है, केरला के अंदर एक रामसर साइट है। तो देखिए रिपीट करूंगा मैं, केरला के अंदर जो हमारे पास साइट अवेलेबल है, इनके लिए एक कैंपेन चला था, सेव अस्थामुड़ी कैंपेन। सेव अस्थामुड़ी कैंपेन में एस ए से हम यहाँ पे ले लेंगे सस्थम कोट्टम लेक, वी ई से हम यहाँ पे बना लेंगे वेम्पनाद लेक, और अस्थामुड़ी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो पंजाब के लिए हमने ट्रिक बनाया रब राखा, केरल के लिए हमने ट्रिक बनाया सेव अस्थामुड़ी कैंपेन। फिर आते हैं अगले पे, ठीक है, अगले पे आते हैं हिमाचल प्रदेश पे। हिमाचल प्रदेश पे जैसे ही हम आते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में आप ये मान सकते हैं, आपने पीसीआर वैन देखा होगा, ठीक है। पीसीआर वैन जनरली आपने देखा होगा, ऐसे वैन्स हैं जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड काम करते हैं। तो ये पीसीआर वैन से हम क्या कर सकते हैं, पी सी और आर तीन अलग अलग नाम निकाल सकते हैं। देखिए पी से क्या हो जाएगा, पोंग डैम, ठीक है। तो पोंग डैम भी हिमाचल में क्या है, रामसर साइट है। सी से हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं चंद्रताल, चंद्रताल रामसर साइट है हिमाचल में। आर से अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा रेणुका लेक, ठीक है। ये भी क्या है, राइट, रामसर साइट यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल है। तो हिमाचल प्रदेश के लिए हम क्या कर लेंगे, पीसीआर वैन को याद करेंगे। फिर आते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के जो रामसर साइट्स हैं उनको याद करने के लिए आप ये बोल सकते हैं कि मान लेते हैं एक बुक पब्लिशर है जिसका नाम क्या है, टी एम एच बुक पब्लिशर्स, ठीक है। ये जो टी एम एच बुक पब्लिशर है ये बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। तो ये टी एम एच बुक एस डब्ल्यू के नाम से हम इनको जानते हैं। अब देखिएगा जो टी एम एच है, ठीक, इसमें टी और एम को पकड़ते हैं, टी और एम से हम क्या बना सकते हैं, सो मोरीरी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सो मोरीरी, ये एक वेटलैंड साइड है। एच से हम यहाँ पे अगर देखें तो आ जाएगा होकरा, ठीक है, होकरा रामसर साइट अवेलेबल है। फिर है हमारे पास एस और डब्ल्यू, देखिए पहले एस से हम यहाँ पे देख सकते हैं तो ये होगा सुरिन सर, ये है, और डब्ल्यू से हम देख लेंगे वुलर लेक, ठीक है। तो ये हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर के क्या हो जाएंगे, रामसर साइट हो जाएंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पे उड़ीसा की, ठीक है। उड़ीसा में अगर हम बात करें तो देखिए आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे याद रखने के लिए जो हम ट्रिक लेंगे वो होगा ओबीसी, ओबीसी कम्युनिटी इंडिया में अवेलेबल है। देखिए इनमें से ओ की अगर मैं बात करूँ तो ओ से आपको पता चल जाएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, उड़ीसा की। वैसे अभी इसका नाम चेंज होकर उड़ीसा भी किया जा चुका है। अब यहाँ पे जो दो रामसर साइट हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है बी, बी से हम निकाल लेंगे यहाँ पे भीतर कनिका, ठीक है, भीतर कनिका अवेलेबल है। और सी से हमारे पास
अवेलेबल है चिल्का, जो कि मैंने आपको बताया था कि सबसे फर्स्ट रामसर साइट उड़ीसा के अंदर चिल्का डेजिग्नेट किया गया था। ठीक है, बाकी जो छोटे मोटे हैं जहाँ पे एक एक दो दो अवेलेबल हैं उनको हम डायरेक्टली यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं ट्रिक्स को क्या करूंगा एक बार रिवाइज करवाऊंगा। देखिए, सबसे पहले पंजाब, पंजाब के लोग क्या बोलते हैं, रब राखा। तो रब राखा में आर से हमने क्या निकाल लिया, रोपड़, के से क्या निकाल लिया, कंजीली, और एच ए से हमने क्या निकाल लिया, हरी के लेक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद हो गया कि पंजाब के अंदर क्या है, ये रामसर साइट्स अवेलेबल हैं। फिर अगर मैं बात करूं सेकंड की, केरला की, तो देखिए केरला में एक कैंपेन चला जिसका नाम क्या था, सेव अस्थामुडी कैंपेन। सेव में एस ए से हम याद करेंगे सस्थमकोट्टम, ठीक है, वीई से वेम्बनाथ लेक, और अस्थामुडी ऑलरेडी एक रामसर साइट है। ठीक है, तो हमने ऐसे क्या याद किया, पंजाब के तीन रामसर साइट, केरल के तीन रामसर साइट। हिमाचल प्रदेश में आपने क्या देखा, पीसीआर वैन देखा, जो कि पॉल्यूशन को क्या करता है, कंट्रोल। तो पी से आ गया आपके पास पोंग डैम, सी से आ गया चंद्रताल, और आर से आ गया रेणुका लेक। तो इस टाइप से हमने क्या किया, तीन रामसर साइट और देखे। फिर बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में एक बुक पब्लिशर है जिसका नाम क्या है, टीएमएच बुक एस डब्ल्यू। ठीक है, तो टीएम से हमने क्या निकाला, सो मोरारी। ठीक है, एच से हमने क्या निकाला, होकरा। फिर आता है आपके पास एस, ठीक है, इससे क्या आया, सुरीसार, और डब्ल्यू से क्या आया, वुलर। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के हमने चार रामसर साइट्स देखे। फिर बात करते हैं ओडिशा की। तो ओडिशा के अंदर आपने देखा कि ओबीसी कम्युनिटी है। ठीक है, ओडिशा का ओ आपको बताता है कि ये ट्रिक किसके लिए है, ओडिशा के लिए। बी से आ जाता है यहाँ पे भीतरकनिका, और सी से आ जाता है चिल्का। तो यहाँ पे ओडिशा के दो रामसर साइट्स हमने देखे। देखो, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक टास्क दिया था कि आपको बताना था कि सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अब आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे हैं। चलिए बढ़ते हैं, इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, देन कुछ क्वेश्चंस को और देखेंगे। तो अब हमारे पास आते हैं बचे हुए जो रामसर साइट्स हैं। यहाँ पे आप मैप के थ्रू भी इनको देख सकते हो ताकि आपको याद करने में इजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अस्थामुडी वेटलैंड, जो कि केरला के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, देखिएगा अस्थामुडी वेटलैंड, ये जो एरिया है पर्टिकुलर, ये एरिया है केरल का। ठीक है, केरल के अंदर हमारे पास तीन वेटलैंड आपको देखने को मिलेंगे। पहला आता है यहाँ पे अस्थामुडी। अस्थामुडी जो है ये रिवर कल्लदा एंड पल्लीचल ड्रेन इनटू इट, यानी कि ये दो रिवर के नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं अस्थामुडी में। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये फेमस है फिशिंग हार्बर के लिए, यहाँ की मछलियाँ यहाँ पे सबसे ज्यादा पकड़ी जाती है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि नेशनल वाटरवे है, उसका नेशनल वाटरवे नंबर थर्ड यहाँ से पास आउट होता है। तो ये तीनों चीजें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। फिर आता है हमारे पास भीतरकनिका, जो कि मैंग्रोव उड़ीसा है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले भीतरकनिका उड़ीसा में अवेलेबल है। मैंग्रोव्स क्या होते हैं, मैंग्रोव्स ऐसे वेजिटेशन होते हैं जो कहाँ पे, मर्सी लैंड पे उगते हैं। मर्सी लैंड ऐसे लैंड जहाँ पे क्या हो, बहुत सारा दलदल हो, मार्श अवेलेबल हो। अब जस्ट लाइक एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो इंडियन मैप पे आपने देखा होगा, ठीक है, इंडियन मैप पे अगर हम बात करेंगे तो आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल के इस एरिया में यहाँ पे क्या होता है, सुंदरबन का डेल्टा है। ये सुंदरबन का डेल्टा क्या करता है, जितने भी इंडियन रिवर्स हैं वो यहाँ पे अपने सिल्ट को लेकर आती हैं, वहाँ डिपोज करती जाती हैं, और इसी डिपोज के कारण जो रूट्स होते हैं वो इतने सैलीन हो जाते हैं, क्योंकि ओशन वाटर भी अवेलेबल है। तो ऐसे में उनके रूट्स जो हैं एयर लेने के लिए मिट्टी से यूं बाहर आने लगते हैं। ठीक है, ये उनके रूट्स क्या हैं, सॉइल में से बाहर निकलने लगते हैं। तो इस टाइप के जो मैंग्रोव्स हैं ये यहाँ पे पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहाँ है, सुंदरवन के डेल्टा के अंदर है, वो आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंग्रोव्स हैं, ठीक है, तो नेशनल इंपॉर्टेंस है इसका, 2002 में ऐसा देखा गया था। और यहाँ पे क्या है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और ऑलिव रिडले टर्टल देखने को मिलेगा। देखिए, ऑलिव रिडले टर्टल जो है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ टर्टल्स हैं, जो कि पाया गया है कि यहाँ से निकल गई थी बाहर और ओशन में चली गई थी, लेकिन ओशन के इम्पैक्ट से वो वापस इंडिया में तैरते हुए आ गए थे, तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। अगला आ जाता है हमारे पास एमपी में भोज वेटलैंड। देखिए, भोज वेटलैंड क्या है, एमपी की जो कैपिटल है भोपाल, उससे सबसे पास में है।
ठीक, इसके बारे में क्या याद रखना है कि ये एक मैन मेड रिजर्वियर है, यानी कि नेचर में अवेलेबल नहीं था, ह्यूमंस ने इसको जनरेट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट बर्ड ऑफ इंडिया जो कि सारस क्रेन है वो पाई जाती है, उसको आप याद रख लीजिएगा। फिर इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास चंद्रताल, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कुंजम पास है, देखिए हमने एनवायरनमेंट के प्रीवियस वीडियो के अंदर जो बात की थी आपसे कि हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच में बहुत सारे माउंटेन पास अवेलेबल हैं, तो उनमें से ये कुंजम पास के पास आता है, और ये साइट और IUCN के रेड लिस्ट के अंदर आने वाली जो स्नो लेपर्ड है। ठीक है, रेड लिस्ट में ऐसे जानवर आते हैं जो नियर टू एक्सटेंट हो चुके हैं, ठीक है, जो अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे कुछ टाइम पीरियड बाद, अगर उसे प्रिजर्व नहीं किया गया तो। तो स्नो लेपर्ड यहाँ पे पाया जाता है इंडिया के अंदर, वो भी इम्पॉर्टेंट होगा। अगले रामसर साइट की बात करें तो अगला रामसर साइट है आपके पास चिल्का लेक। देखिए चिल्का लेक इंडिया का फर्स्ट रामसर साइट था, इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पे क्या है, वाटर लगून अवेलेबल है। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट साइट जो है जगन्नाथपुरी, इसके लिए भी फेमस है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, ये लार्जेस्ट कोस्टल लगून है इंडिया का और सेकंड लार्जेस्ट लगून है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, कैस्पियन सागर के पास है, लेक बैकाल यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो याद रखना है, ईरावेडी डॉल्फिन, ठीक है, ईरावेडी डॉल्फिन की जो स्पीसीज है उनके लिए यहाँ पे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फिर आता है दीपोर बिल, जो कि आसाम के अंदर है, ये एक परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, तो आपको ब्रह्मपुत्र रिवर याद रखना है, गुवाहाटी के पास से निकलता है ये। ठीक है, ये बेसिकली इतना अगर आप याद रख लेंगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फिर आता है आपके पास ईस्ट कोलकाता वेस्टलैंड, जो कि वेस्ट बंगाल के कैपिटल है, वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं नरिशमेंट के लिए, यहाँ पे 4,000 हेक्टेयर जो है वो एरिया काम में आते हैं, और ये जो एरिया है ये पर्टिकुलर सोलर रिट्रैक्टर का काम करता है एज अ बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। अब यहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए बेसिकली अर्थ के ऊपर ये जो वेटलैंड्स है यहाँ पे क्या है, बहुत सारा वाटर अवेलेबल है, इस वाटर में जितने भी सिल्ट और पॉल्यूशन है वो पॉल्यूटेड अवेलेबल होते हैं। सोलर रीजन में सन की एनर्जी के साथ ये रिएक्शन करके क्या होते हैं, इनको रिलीज कर देते हैं, और यहाँ पे एक प्योर फॉर्म ऑफ वाटर अवेलेबल हो जाता है, तो बेसिकली इकोलॉजिकल वे में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आता है हरी के वेटलैंड, जो कि पंजाब के अंदर है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने ट्रिक पढ़ी थी रब राखा, तो के से हर हा जो था रब राखा में लास्ट में एच ए, वहां से क्या आया था, हरी के वेटलैंड। एक शैलो वाटर रिजर्वियर है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस पे 13 आइलैंड अवेलेबल है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। फिर आता है होरेका वेटलैंड, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में अवेलेबल है, ये बेसिकली कश्मीरी रीजन के अंदर आता है, पीर पंचाल रीजन में। ठीक है, नेचुरल अवेलेबल है ये, और ये इम्पोर्टेंट आपके लिए इसलिए है क्योंकि ये झेलम बेसिन के आसपास है। ठीक, अब झेलम बेसिन के साथ साथ हमने पढ़ा था डल लेक को एनवायरनमेंट के टॉपिक में, तो वो डल लेक को एसोसिएट करते हुए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा इस बार। अब हमारे पास अवेलेबल है कनीली वेटलैंड, जो कि पंजाब के अंदर है। कनीली एक परमानेंट स्ट्रीम है जो कि कालीबेन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक बैरेज बनाया गया है, वाटर रिजर्वियर है, जिसका इरिगेशन पर्पस पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो दैट मींस ये बोल सकते हो कि अगर ये वाटर ड्रेन करके आ रहा है तो यहाँ पे आपने क्या बना दिया, एक डैम बना दिया, इससे इसके आसपास के जो रीजन होंगे वो क्या हो जाएंगे, वेटलैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो एक एनवायरमेंट इंपॉर्टेंस रखते हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पे एक रिलीजियस पॉइंट भी है, क्योंकि जो सिख के फर्स्ट गुरु थे श्री गुरु नानक देव जी, उनसे रिलेटेड एरिया भी ये यहाँ पे आता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर है केवला देव नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में अवेलेबल है। देखिए केवला देव नेशनल पार्क, जिसको हम घाना नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान में भरतपुर के अंदर है, और ये एक आर्टिफिशियल सीजनल लैगून है। ठीक है, आर्टिफिशियल लैगून से बनाया गया है, दैट मीन्स यहाँ पे
आर्टिफिशियली रिवर वाटर्स को लाकर प्रिजर्व करने का काम किया गया है। और यहाँ पे बोला जाए तो ये इकलौता ऐसा रिजर्वियर है जिसके अंदर रिजर्व सेंटर भी अवेलेबल है। बर्ड्स के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आता है आपके पास कोलारू लेक, जो कि आंध्र प्रदेश में अवेलेबल है। आपको याद रखना है कि दो रिवर बेसिन, गोदावरी और कृष्णा के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। फिशरीज और सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। फिर है आपके पास लोकटक लेक, जो कि मणिपुर में अवेलेबल है। ठीक है, लोकटक लेक जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर आता है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसे आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा। फिर आता है कि यहाँ पे केबुल लामजो नेशनल पार्क ऑलरेडी अवेलेबल है, और ये जो है ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्लोटिंग आइलैंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। फिर आता है आपके पास नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, जो कि गुजरात के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे एक डेजर्ट, थार डेजर्ट रीजन के अंदर अवेलेबल होने वाला ये एक वेटलैंड है, जो ग्लोबली स्पीसीज जो है एंडेंजर्ड है, जस्ट लाइक लैपविंग और मार्बल टील, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रखिएगा। फिर है आपके पास पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु के अंदर। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रेमिनेंट ऑफ ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और यहाँ पे मैनग्रूव और वेटलैंड भी पाए जाते हैं, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पोंग डैम हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ये इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि राजस्थान में वाटर सप्लाई यहीं से आती है। 1975 में जो ब्यास रिवर था उससे रिलेटेड है, उस पर ये बनाया गया है। आता है आपके पास रेणुका लेक, जो कि हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल है। ये होम है नियरली 443 स्पीसीज का, उनसे रिलेटेड आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो है कि इसका जो नाम रखा गया है, ये एक हिंदू पर्सन थे परशुराम, उनकी माँ के नाम पे इसका नाम रेणुका लेक रखा गया है, तो ये एक पिलिग्रिमेज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा। फिर आता है आपके पास रोपड़ वेस्टलैंड, जो कि पंजाब के अंदर अवेलेबल है। ये एक ह्यूमन मेड वेटलैंड है, 1952 में कंस्ट्रक्ट किया गया था सतलज रिवर के ऊपर ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन के लिए। आता है रुद्र सागर लेक त्रिपुरा के अंदर। ये लो लैंड सेडिमेंटेशन रिजर्वियर है, यानी कि लो लैंड क्या होता है, सपोज करते हैं ये एक पर्टिकुलर एरिया जो है इसको हम बोलते हैं लो लैंड, तो यहाँ पे जब भी रिवर्स वगैरह आएंगी तो उनका सेडिमेंट जो है यहीं पे जमा होता चला जाएगा, और उससे बने हुए एरिया को लो लैंड सेडिमेंटेड रिजर्वियर के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे रिवर घूमती आपको देखने को मिलेगी, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और विजयदशमी के दिन, ठीक है, विजयदशमी के दिन हिंदू फेस्टिवल में ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पॉइंट बना रहता है। फिर आएगा आपके पास सांभर लेक, जो कि राजस्थान में है, और ये सबसे ज़्यादा इस साल लैमलाइट में रहा हुआ है। ठीक है, सांभर लेक की अगर बात की जाए तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, जहाँ से सॉल्ट बनाया जाता है या निकाला जाता है। सेकंड थिंग, यहाँ पे अगर आपने देखा तो एवियन बॉटलिज्म डिजीज के कारण यहाँ पे बहुत सारे जो साइबेरियन क्रेन्स थे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो वो यहाँ पे लैमलाइट करता है इस पर्टिकुलर रीजन को, जिसको हमने एनवायरमेंट वाले टॉपिक में कवर किया था। आप इसकी बाकी डिटेल्स वहाँ पे देख सकते हैं। फिर आता है हमारे पास केरला का सस्थाम कोट्टा लेक। ये एक लार्जेस्ट लेक है केरल का, जो कि कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, पैडी फील्ड के लिए जाना जाता है। सुंदरबन वेटलैंड इसकी बात करें तो ये लार्जेस्ट मैनग्रूव फॉरेस्ट है इन द वर्ल्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैनग्रूव फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनके ट्रीज की जो रूट्स हैं वो क्या होता है, लैंड के बाहर आ जाते हैं, और ये एक मर्शी लैंड के अंदर यानी कि दलदली जमीन पे उगने वाले एरिया होते हैं। ये बेसिकली गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के रिलेटेड है, डेल्टा फॉर्म करता है बे ऑफ बंगाल के अंदर, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो रॉयल बंगाल टाइगर भी अवेलेबल है, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए।
आता है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर का सुरिनसर मानसर लेक। ये एक फ्रेश वाटर लेक है जो कि सेमी अरिड पंजाब प्लेन्स के साथ है, झेलम बेसिन पे। इम्पॉर्टेंटली झेलम बेसिन पे यहाँ पे वर्क करता है और IUCN की रेड डेटा लिस्ट भी यहाँ पे अप्लाई करती है कुछ स्पीसीज के लिए। वो स्पीसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली कल्चरली भी ये सबसे ज़्यादा रिच है क्योंकि माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत पीरियड में इसकी इम्पोर्टेंस आपको देखने को मिलेगी। आता है जम्मू एंड कश्मीर का सो मोरीरी वेटलैंड। सो मोरीरी वेटलैंड जो है ये रिप्रेजेंट करता है ब्रीडिंग के लिए, और ऐसे बर्ड्स और क्रेन्स जो कि चाइना से रिलेटेड हैं वो इंडिया में ब्रीडिंग के लिए आते हैं, और उससे रिलेटेड बहुत सारे अदर जो हैं जानवर वो भी यहाँ पे पाले जाते हैं। बार्ली फील्ड यहाँ पे अवेलेबल है जो कि हाईएस्ट प्लेस पे कल्टीवेटेड लैंड है इन द वर्ल्ड के अंदर। इस पर्टिकुलर फील्ड का नाम कोर्जोक है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ऐसे आप याद करेंगे। और साथ ही साथ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के लिए भी ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड प्लेस रहा है। फिर बात आती है ऊपर गंगा रिवर की, जो कि ब्रिज घाट से नरोरा स्ट्रेच उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है। यहाँ भी IUCN की रेड लिस्ट जो है वो गंगेन रिवर डॉल्फिन के लिए जानी जाती है। ठीक है, अगर आपको बता दिया जाए गंगेन रिवर डॉल्फिन तो आपको पता होगा इंडिया का जो मरीन एनिमल है वो नेशनल वो क्या है, गंगेन रिवर डॉल्फिन है। तो वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। फिर आते हैं हमारे पास वेम्बनाद कोल वेटलैंड, जो कि केरल के अंदर अवेलेबल है। केरला के अंदर हमने देखा था और भी जो हमारे पास वेटलैंड है वो अवेलेबल थे। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। केरला में हमने देखे थे कि एक तो था अस्थामुडी, ठीक है, दूसरा था सस्थामकोट्टम, ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, और तीसरा वेम्बनाद हमने देखा था। ये बेसिकली एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे जो है वेटलैंड है फिशरीज एंड पैडी के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास वुलर लेक, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में अवेलेबल है। ये लार्जेस्ट इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक के लिए जाना जाता है, आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आते आते हैं इनसे रिलेटेड फाइनल क्वेश्चन एंड आंसर। हमने टोटली 37 ऐसे रामसर साइट्स को कवर कर लिया है, जिसके बाद अब हमारे पास इम्पोर्टेंस है कि इनसे आपने क्या सीखा, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखने वाले हैं। तो आता है आपके पास पहला क्वेश्चन, जो कि इस सीरीज का 10th क्वेश्चन है। इस 10th क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट है। वेम्बनाथ इज इंडिया लॉन्गेस्ट लेक। सेकेंड है वेम्बनाथ वेटलैंड सिस्टम जो है इंक्लूड करता है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस को, जो कि रामसर कन्वेंशन के थ्रू डिस्क्राइब्ड है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए, तो इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे जब आपने पढ़ा था तो आपने पाया कि यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ये एक लॉन्गेस्ट इंडियाज लॉन्गेस्ट लेक है, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और सेकंड इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस रखता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे जो कोलेरू है इज ब्रैकविश वाटर लेक है, और सेकंड इट इज डेजिग्नेटेड एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस। चलिए, इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा आप। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर है ये ब्रैकिश वाटर लेक नहीं है। ठीक है, सेकंड वाला जो है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का है, ये यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड वन। फिर आता है आपके पास मैच द फॉलोइंग रामसर साइट्स। आपके पास कुछ रामसर साइट्स गिवन है, जस्ट लाइक चंद्रताल, हरी के, रुद्र सागर, दीपोर बेल एंड कोलेरू लेक। इनमें से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर आपका कौन सा है।
चलिए तो एक एक करके इसको करना स्टार्ट करते हैं, जब तक आप कमेंट कीजिएगा। देखिए पहला हिंट मैं आपको दे दूं कि जो चंद्र ताल है ये अवेलेबल है हिमाचल प्रदेश के अंदर। फिर आते हैं, अगर बात करें हरी के वेटलैंड की, तो हरी के वेटलैंड जो है ये पंजाब के अंदर है। रुद्र सागर लेक की अगर बात की जाए तो देखिए रुद्र सागर लेक जो है त्रिपुरा में अवेलेबल है। दीपोर बिल आसाम के अंदर है और बचा हुआ कोलेरू लेक जो है ये आंध्र प्रदेश में अवेलेबल है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका आंसर जो है वो हो जाएगा सेकंड वन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी आपको रामसर साइट्स के नाम गिवन है, आपको इनको क्या करना है मैच करते हुए बताना है। चलिए जल्दी से आप देखिए और कमेंट में इसके आंसर्स बताइए। सस्थम कोटम लेक, दीपोर बिल, होकेरसर वेटलैंड, पोंग डैम और केवला देव। चलिए आपको हिंट देना स्टार्ट करता हूं, जब तक आप इसका आंसर जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो सस्थम कोटम जो है ये अवेलेबल है, नाम से ही पता चल रहा है, केरला के अंदर। ठीक है, और अगर आपने यही करेक्ट कर लिया तो बाकी बचे हुए सारे ऑप्शंस गलत हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन में सस्थम कोटम को केरला में बताया गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो दीपोर बिल है ये हमारा आसाम के अंदर अवेलेबल है। होकरा वेटलैंड जो है ये होकरा वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर में है। पोंग डैम की अगर बात किया जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में है, जबकि केवला देव घाना जो है ये राजस्थान के अंदर अवेलेबल है। तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, सही आंसर को पहचान सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ पे 14th क्वेश्चन आपको गिवन है। बताना है कि विच वेटलैंड वॉज एडेड टू द रामसर साइट इन इंडिया एज द लेटेस्ट और द 26th। देखिएगा यहाँ पे 26th साइट के रूप में किसे जोड़ा गया था, लेटेस्ट वर्ड यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा ये आंसर होगा देखिए नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी को। और देखिए नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया था 1988 के अंदर, ठीक है, एज अ बर्ड सेंचुरी। लेकिन इसके रामसर साइट के डिक्लेरेशन की बात करूं तो ये डिक्लेरेशन किया गया था 24th of September 2012 को। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा इसके लिए, याद कीजिएगा आप इसको भी। अगला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट आर इन आइडेंटिफाइड एज रामसर साइट इन इंडिया। इनमें से कौन से रामसर साइट हैं या नहीं हैं आपको बताने हैं। देखिएगा पहली बात आती है आपके पास लोनर लेक, वुलर लेक, पॉइंट कैलिमर और सो मोरारी। कमेंट कीजिए आप जल्दी से। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो वुलर लेक हमने पढ़ा, ठीक है, पॉइंट कैलिमर पढ़ा हमने और सो मोरारी पढ़ा हमने, लेकिन हमने लोनर लेक को नहीं पढ़ा है क्योंकि ये रामसर साइट नहीं है। तो ऐसे में जो आपका आंसर हो जाएगा वो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। वेम्बनाथ लेक इज लोकेटेड इन केरला। इट वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एज डिफाइंड बाई रामसर कन्वेंशन। बताइए इनमें से करेक्ट क्या है। देखिए जैसा कि जितने भी वेटलैंड होते हैं अगर वो डिक्लेयर्ड होते हैं तो वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पे, तो वो रामसर साइट कहलाते हैं। तो अगर हमने पढ़ा कि वेम्बनाथ लेक जो है ये एक वेटलैंड है और रामसर साइट्स में हमने इनको पढ़ा है, तो इजीली आपका आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि बोथ इस पे अप्लाई आते हैं। बात आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। आपको मैच किए हुए दिए हैं चंद्रताल, कोलेरू, रुद्र सागर और हरि के वेटलैंड। इनके साथ जो मैच की गई है वो करेक्ट है या नहीं वो आपको यहाँ पे देख के बताना है। ठीक है, तो देखिएगा चंद्रताल जो है हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल है और इसको हिमाचल प्रदेश के साथ ही टैग किया गया है।
ठीक है, तो एक तो ये सही है आपके पास, और देखिएगा कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश, ये भी करेक्ट है आपके पास, और देखिए आगे कौन सा करेक्ट है। थर्ड नंबर की बात करें रुद्र सागर लेक, तो ये त्रिपुरा में है, ये भी करेक्ट है। फोर्थ आता है हरी के वेटलैंड, बताइए हरी के वेटलैंड करेक्ट है या नहीं है ना, नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका आंसर है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब आपको कमेंट में बताना है कि हरी के वेटलैंड किस जगह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है, ये आपको बताना है। लोकटक लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। केबुल लामजाओ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड फ्लोट्स ओवर इट। इन दो में से कौन सा करेक्ट है या कौन से सही है गलत है वो आपको बताना है। कमेंट कीजिए जल्दी। देखिए जैसा कि हमने पढ़ा था कि लोकटक लेक जो है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, करेक्ट है, और इसी में केबुल लामजाओ भी फ्लोट करता है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तीन स्टेटमेंट आपके पास गिवन है। पहला है भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इंक्लूड करती है गहीरमाथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। भीतरकनिका के जो मैंग्रोव हैं वो एक पार्ट है भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस का डिक्लेयर किया गया था 2002 में। और थर्ड है इट इज फेमस फॉर इट्स सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और ऑलिव रिडले सी टर्टल के बारे में। याद आ रहा हो आपको क्वेश्चंस में मैंने कहा था ऑलिव रिडले सी टर्टल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कमेंट कीजिए आप आंसर को। देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर है ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़े पूरे रामसर साइट के बारे में एक डिटेल्ड स्टडी। जिन जिन पॉइंट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियो में वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको पूरे डिटेल्स की कौन कौन से स्पीसीज वहाँ पे अवेलेबल हैं वो इम्पॉर्टेंट ना होकर कुछ स्पेशल स्पीसीज, जस्ट लाइक मैंने आपको कहा था कि इंडस डॉल्फिन अवेलेबल है, या फिर मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे गैंगेन डॉल्फिन अवेलेबल है, या फिर मैंने कहा नेशनल वाटरवे नंबर 3 निकलता है, ठीक है, इस टाइप के जो इम्पोर्टेंट थिंग्स मैंने आपको बताई केवल आपको वो ही याद करने हैं। आपको सारी स्पीसीज के नाम याद नहीं करने हैं क्योंकि बेसिकली आप उसे याद कर भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था और इसी के साथ साथ हमने 19 एमसीक्यू को भी यहाँ पे सॉल्व किया। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद।